गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है कि आपने क्या अचीव किया है। अभी तो मान लो आप सेकेंड ईयर में हो, तो जब सेकेंड ईयर क्रॉस करोगे तो दो ऑप्शन आपके लिए आएगा। मैथमेटिक्स से हो या तो आप जो है इंजीनियरिंग के जो एग्जाम में बैठोगे, अदरवाइज आप जो है पीजी लेवल पे जाओगे, यूजी पीजी लेवल पे। तो ग्रेजुएशन में करना पड़ेगा, तो यही मैथ, यही फिजिक्स, यही केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से जब बेस मजबूत होगा ना, तो यू कैन डायरेक्टली फाइट। तो डायरेक्टली जब फाइट कर लोगे ना, तो बहुत कुछ तुम सीख सकोगे और जान सकोगे। आइए इसी के साथ हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18, बताओ क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ओए बच्चों, तो जनरली आप यहाँ पे ये देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरह से इंटीग्रल करना है। यदि ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता ना, यहाँ पे आप देखोगे इसको अंश में, यदि ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता, यानी कोफिशिएंट ओनली आपका गुणांक के रिस्पेक्ट में सिर्फ नंबर रहता, तो जनरली हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी सपोज कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से है तो उससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया माना। आ देर इज नो नीड टू डेट डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, देर इज द नो नीड। तो क्या आप सिंपली सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इन सब में जो मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल सा, या तो आप इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कीजिए, दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इसमें, या इसकी वैल्यू पुट करके करें। पुट करके करते हैं आसान है, डिग्री कम हो जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा आप लोग भी देखेंगे, फिर यहाँ पर वाई प्लस टू, और यहाँ पर वाई प्लस थ्री, और यहाँ पर वाई प्लस फोर। छोटी ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर इसे एक इसमें करें तो प्लस टू वाई, वाई वन जा वाई, ठीक है, एंड वन टू जा टू अपान सिमिलर इन दिस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई थ्री फोर जा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ना वाई स्क्वायर अब प्लस ये कितना जाए आपका थ्री वाई अब प्लस टू अपान यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस फोर थ्री सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, राइट। थोड़ा सा टेक्निक देखिए इसमें, वाई स्क्वायर इज द मैचिंग, यहाँ पे थ्री वाई बट यहाँ पे फोर वाई सेवन वाई, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपका 12 और जबकि यहाँ कितना आपका 2 है। तो आप सिंपल से दिमाग ला सकते हैं ना कि अरे यार इन दोनों का यदि हम डिफरेंट ले लें 4, हाँ ये तो कट जाएगा, या इससे हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट लें तो कितना, यानी कितनी कमी हो जाए इसको पूर्ण करने में। यदि 4 रहता तो बात बन जाता ना। तो हम अपने तरफ से यहाँ पे क्या करें, 4y ऐड करें, आप 4y क्लियर, तो ये प्लस प्लस वाला एक साथ ऐड कर लीजिए, कितना 7y, वाई स्क्वायर प्लस सेवन हो गया, यहाँ पे टू है, तो यानी कितने की आवश्यकता है यहाँ पे 12 कंप्लीट करने के लिए, 10 है। तो 10 में यहाँ जबकि 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पैसे ले सकते ना, प्लस यदि हम ऐड कर दें और यहाँ पे माइनस 10 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ 12 हो जाएगा, बाकी यहाँ क्या माइनस 10 है, यहाँ पे माइनस 4 वाई बचेगा, क्लियर ना। तो सिंपल सा आप सोच रहे होगे बच्चों, तो वाई स्क्वायर 437 वाई आई हो जाए आपका 12, और यहाँ पे लिख देना माइनस 4 वाई माइनस 10। इसके नीचे एक बार ये इसको यहाँ पूरा फुल्ली लिख लें, जब पूरे कपा लिखेंगे तो दो टाइम इधर एक टाइम इधर और एक टाइम यहाँ कर लें, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। ये फुल्ली कॉन्सेप्ट इज द
ये पूरा कैंसिल है, तो हमें कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। आई इसमें व्हाट इज द कॉमन हियर, चाहते हैं से हम टू कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। आ यहाँ पे टू कॉमन ले लें तो भी हो जाएगा, या इसको आप ऐसे यहाँ पे देखें टू वाई प्लस फाइव है, और ये चीजें वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई का फैक्टर ए था ना गुणनखंड, यदि इसको बारह कम बारह प्लस करने सा तो फोर थ्री या ट्वेल्व, अब फोर थ्री सेवन हुआ ना, फोर थ्री यहाँ बारह था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे वाई प्लस थ्री और दूसरे में वाई प्लस फोर, राइट। यह तो वन हो जाएगा डायरेक्ट वन, इसको इंटरकलर में ले ला, देखिए वन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा था, वाई फाइव में तो वाई ले चलिएगा, एक्स रहेगा एक्स में ले चलेंगे, ठीक है। ये चीज इतना हो जाएगा, ठीक है, ये वन वन, और यहाँ पर आप दूर से नहीं मल्टीप्लाई करते, तब भी यहाँ से आप इसके एक फॉर्म में ले चलते ना, ए अपान वाई प्लस थ्री, और ये माइनस एंट्री कर जाता अंदर, तो क्या जैसे ये वाला माइनस वाई यहाँ पे भी एंट्री करता ना, यहाँ पे भी आता बी अपान वाई प्लस एंट्री ना करवाइए, बी प्लस ही रहने दीजिए, क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जबकि इसके साथ अभी ये चीज रहेगा, ध्यान रहे, जब पार्शियल इक्वेशन पर अलग से सॉल्व करेंगे, मीन यदि यहाँ पे मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, इसको कुछ और सपोज कर लिया, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन और इसको मैं सपोज कर लिया जी एक्स फंक्शन, जी एक्स फलन आपने तब से माना, ए बी सी डी कुछ भी सपोज कर सकते हो भाई, तो इतना रहे तो ये चीज ऐसे लिखोगे ना, फोर पूरा माइनस, यदि मैं कॉमन लिया यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो सीधे यहाँ पे क्या बचेगा आपका, फोर वाई इसी कितना ना, फोर वाई प्लस दस अपान है ना, पूरा फंक्शन रहेगा वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर, ए अपान दिस एंड बी अपान, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेकिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ पे ए वाई प्लस फोर ए प्लस वाई बी प्लस थ्री बी आई अपान एंड दिस इज दिस, मतलब लिख के काटेंगे फोर वाई प्लस टेन, वाई वाई वाला एक साथ है, ये वाला एक साथ हो जाएगा ना, इस तरह से जब इसको निकालेगा तो यहाँ पोली पुट कर लीजिएगा, इंटरनल कीजिएगा तो वाई भी आएगा, अब वाई आएगा तब वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी सिंपल, आप मैथमेटिक्स को सीख सकते हो, मैथमेटिक्स हमेशा आपका क्या माइंड ओपन करने का काम करता है, मैथमेटिक्स ऑलवेज यही सिखाता है कि आपके लाइफ में हजारों प्रॉब्लम आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने की तरीका, यानी उस प्रॉब्लम को जो निपटाना कई तरीके से होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स को वन वे से नहीं सॉल्व हो रहा तो सेकेंड वे थर्ड वे फोर्थ वे इज द अवेलेबल, ऐसे आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उतनी समस्याओं का सॉल्यूशन भी तरीके से है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछता तो आप अवश्य हमें भेजें। सो थैंक यू।